साथियों, भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अप्रत्याशित, कल्पना से परे हैं। मैं आपको सिर्फ बीते एक सप्ताह के उदाहरण दे रहा हूं, एक वीक के। 20 फरवरी को मैंने जम्मू से एक साथ देश के दर्जनों आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया। 24 फरवरी को मैंने राजकोट से देश के 5 एम्स के साथ एक साथ लोकार्पण किया। आज सुबह मैंने देश के 27 राज्यों के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास किया। आज के उसी कार्यक्रम में देश में 1500 से ज्यादा ओवरब्रिज और अंडरपास के एक साथ काम शुरू हुआ। अभी मैंने इस कार्यक्रम में आने से पहले ही सोशल मीडिया पर साइट एक्स पर एक थ्रेड शेयर किया है। इसमें मैंने अपने आने वाले 2 दिन के कार्यक्रमों के बारे में बताया है। मैं कल सुबह केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाने वाला हूं। वहां स्पेस के कार्यक्रम हैं, एमएसएमई के कार्यक्रम हैं, पोर्ट से जुड़े कार्यक्रम हैं, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े कार्यक्रम हैं, किसानों से जुड़े कार्यक्रम हैं। भारत ऐसी स्केल पर काम करके ही बिग लीप ला सकता है, लगा सकता है। हम पहली, दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में पीछे रह गए, अब हमें 4थी औद्योगिक क्रांति में दुनिया का नेतृत्व करना है और इसके लिए भारत में हर रोज हो रहे विकास कार्यों से देश की रफ्तार को ऊर्जा मिल रही है। भारत में हर दिन, आप एक के बाद एक दिमाग जरा बराबर अलर्ट रखिए, भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते 1 नई यूनिवर्सिटी खुली है। भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। भारत में हर दिन करीब 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं। भारत में हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। भारत में हर दिन 16000 करोड़ रुपए के यूएआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। भारत में हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। भारत में हर दिन 50000 से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। भारत में हर सेकंड 1 नल से जल का कनेक्शन दिया गया है। भारत में हर दिन 75000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। हमने तो हमेशा से ही गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे सुने थे। किसने सोचा था कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आएंगे, लेकिन ये हुआ है और हमारी ही सरकार में हुआ है।